नमस्ते प्राम आप सभी को। और पुनः एक बार और सेशन में हम लोग आए हैं कुछ नया लेके। और सबसे ज़्यादा सस्पेंस आपको यही होता है चित्रकला में कि जो 1999 से लेके 2021 तक कौन कौन से चित्र पूछे गए हैं और कौन कौन से चित्र पूछने की संभावना है। तो मेरी कोशिश ये है कि 1999 से लेके 2021 तक के सभी चित्रों की एक अलग अलग हम सीरीज बना दें। मुश्किल से आपकी एक वीडियो 10 से 15 मिनट की होगी या 5 से 7 मिनट की हो सकती है। यानी 1999 में कितने टीजीटी में आर्ट से संबंधित चित्र पूछे गए उसकी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान देना है कि लिखेंगे हम लोग का जो टॉपिक है कि टीजीटी 1999, यानी 1999 का जो टीजीटी का पेपर हुआ था उसमें टोटली कितने चित्र पूछे गए थे, उन चित्रों के बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में बस 1999, अगली वीडियो में हम अगर लेके आएंगे तो 2001 टीजीटी में कितने चित्र पूछे गए उसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ पे चित्र जो पूछा गया था शिव विवाह, लिखेंगे कि शिव विवाह का जो चित्र है, शिव विवाह जो चित्र है वो किस गुफा से संबंधित है। तो आप लिखेंगे शिव विवाह जो है वो गुफा है बादामी गुफा से। कहाँ से संबंधित है? तो बादामी गुफा से। बादामी गुफा में टोटली 4 गुफा है। और शिव विवाह की घटना को हम कल्याण सुंदरम कहते हैं। क्या बोलते हैं? कल्याण सुंदरम के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये पहला चित्र हो गया। दूसरा चित्र आप लिखेंगे कि दूसरा चित्र कौन सा मिला, कौन सा पूछा गया टीजीटी 1999 में। यानी पहला चित्र हमने बता दिया शिव विवाह बादामी गुफा से। दूसरा चित्र लिखेंगे हंस जातक। तो लिखेंगे हंस जातक अजंता के किस गुफा से है, तो हंस जातक की बात कर रहे हैं। सबसे अधिक जो जातक कथाओं का चित्रण हुआ है वो अजंता की गुफा संख्या 16 में हुआ है। और सबसे अधिक सुरक्षित अवस्था में चित्र इसी गुफा में आया था 17 में, सॉरी सबसे अधिक जातक कथाओं का चित्रण हुआ है अजंता गुफा के गुफा संख्या 17 में, यानी हंस जातक 17 में मिलता। अगला लिखेंगे तीसरा जो चित्र है, तो तीसरा चित्र लिखेंगे राग दीपक चित्र किस शैली का है। तो राग दीपक चित्र भी पूछा गया है। तो राग दीपक जो चित्र है वो बूंदी शैली से संबंधित है। किस शैली से? तो बूंदी शैली से संबंधित है। और जो बूंदी शैली है ये किसके अंतर्गत आती है? तो हड़ौती के अंतर्गत आती है। हड़ौती में हाड़ा वंशों का शासक था। ठीक, ये हो गया। मैंने क्या लिखवाया? सबसे पहले शिव विवाह, बादामी गुफा, हंस जातक गुफा संख्या 17 अजंता की, और राग दीपक बौद्ध शैली से संबंधित है। अगला इसमें देखेंगे, अगला देखेंगे चौथा चित्र कौन सा है। तो चौथा चित्र ध्यान देंगे कि चौथा चित्र पूछा चैतन्य का गृह त्याग। लिखेंगे चैतन्य का गृह त्याग, चैतन्य का गृह त्याग किसका है? तो क्षितिन्द्रनाथ मजुमदार का है। क्षितिन्द्रनाथ मजुमदार का चित्र है। क्षितिन्द्रनाथ मजुमदार का चित्र माना जाता है। यानी चैतन्य का गृह त्याग पूछेगा और चैतन्य सिद्ध कलाकार कौन है, तो आपके कौन है? क्षितिन्द्रनाथ मजुमदार का ही नाम आता है। और चैतन्य का गृह त्याग क्षितिन्द्रनाथ मजुमदार ने ही बनाया था। अगला लिखेंगे कि महात्मा बुद्ध, लिखेंगे कि महात्मा बुद्ध भिक्षुक के रूप में महात्मा बुद्ध अजंता के किस गुफा से मिला है। पांचवा चित्र है भिक्षुक, ठीक है, बुद्ध अजंता की गुफा संख्या 17 से। अगला लिखेंगे चित्र नंबर 6 कि छठा चित्र क्या पूछा है। पूछा है कि हरिपुरा पैनल का विषय वस्तु क्या था। तो हरिपुरा पैनल का विषय वस्तु सबसे पहले किसने बनाया इसको? तो नंदलाल बोस ने बनाया। किसने बनाया? नंदलाल बोस ने बनाया। विषय वस्तु क्या है? तो भारतीय ग्रामीण जीवन, भारतीय ग्राम्य जीवन लिख लेंगे। भारतीय ग्राम्य जीवन है ये, ठीक है। यानी आपका पांचवा चित्र हो गया, छठवा चित्र हो गया। सातवा चित्र देखेंगे कि सातवा चित्र कौन सा है। तो लिखेंगे कि ईसा के जीवन पर आधारित चित्र किसने बनाया है। ईसा के जीवन पर आधारित चित्र किसने बनाया है? तो लिखेंगे यामिनी रंजन राय। किसको लिखना है? तो यामिनी रंजन राय को लिखना है, ठीक है। यामिनी रंजन राय के द्वारा ईसा के जीवन पर आधारित चित्र बनाए। अगला लिखेंगे कि सूर्योदय का प्रभाव किसका चित्र है। तो लिखेंगे आठवां चित्र सूर्योदय का प्रभाव जो चित्र है ये मोने का माना जाता है। किसका? क्लोद मोने का माना जाता है। इसी के चित्र के उपरांत प्रभाववाद का नाम पड़ता है, ठीक है।
कितना चित्र हो गया, यानी टोटल कितने हो गए, 8 चित्र हो गए। और आगे देखेंगे कि 9वां चित्र कौन सा है, तो घास का ढेर लिखेंगे। 9वां चित्र है घास का ढेर, घास का ढेर। तो घास का ढेर किसका चित्र है, तो घास का ढेर देखेंगे कि घास का ढेर जो है ये मोने का चित्र माना जाता है। किसका है, तो घास का ढेर मोने का एक चित्र माना जाता है। चित्र नंबर 10 देखेंगे कि ग्वेर्निका किसका चित्र है, ग्वेर्निका किसका चित्र है, ग्वेर्निका किसका चित्र है, तो पिकासो का एक चित्र है। ये भी पूछा गया है ग्वेर्निका किसका चित्र है, तो ये पिकासो का चित्र माना जाता है। आगे लिखेंगे घास का ढेर मैंने बता दिया मोने का है, और बताएंगे कि नौ प्रभावत का प्रथम चित्र कौन है, प्रथम चित्र कौन सा था, तो नौ प्रभावत का प्रथम चित्र अगर पूछा जाए तो हम लिखेंगे स्नान स्थल, जादसुरा ने बनाया था स्नान स्थल, स्नान स्थल किसने बनाया था, तो जॉर्ज सोरा ने बनाया था, जॉर्ज सोरा ने बनाया है इसको स्नान स्थल को। चित्र नंबर 12 देखेंगे, 12 कौन सा पूछा है, तो अंतिम भोज किसका चित्र है, तो अंतिम भोज जो चित्र माना जाता है, अंतिम भोज लियोनार्डो द विंची हायरेंसा के प्रथम कलाकार यानी विंची का चित्र माना जाता है। किसका, तो विंची का चित्र माना जाता है। आगे लिखे चित्र नंबर 13 नंबर कौन सा चित्र है, तो प्रख्यात जो चित्र है वीनस का जन्म, तो वीनस का जन्म किसने बनाया था, तो लिखेंगे वीनस का जो जन्म है, वीनस का जन्म जो चित्र है सांद्र बोत्तिचेल्ली ने बनाया था। ठीक है, सांद्र बोत्तिचेल्ली ने बनाया था। यानी टोटली 11 चित्र, 13 चित्र हो गए। और देखेंगे यानी घास का ढेर मोने, ग्वेर्निका किसका है, तो पिकासो का है, स्थान स्थल किसका है, तो जॉर्ज सोरा का है, अंतिम भोज किसका है, तो लियोनार्डो द विंची का है, और वीनस का जन्म किसका है, तो सांद्र बोत्तिचेल्ली का ये चित्र माना जाता है। आगे लिखेंगे तीन संगीतज्ञ किसका चित्र है, लिखेंगे तीन संगीतज्ञ, 14 नंबर चित्र लिखेंगे तीन संगीतज्ञ। ठीक है, तीन संगीतज्ञ किसका चित्र है, तो ये आपका पिकासो का माना जाता है, ये पूछा गया चित्र 1999 में। ठीक है, 15 नंबर चित्र लिखेंगे, लिखेंगे चांद को देखकर भौंकता हुआ कुत्ता, यानी चांद को देखकर भौंकता हुआ कुत्ता किसका है, तो लिखेंगे जॉर्ज सोरा का है, जॉर्ज सोरा का ये चित्र है। ठीक है, यानी चांद को देखकर भौंकता हुआ कुत्ता किसका है, तो जॉर्ज सोरा नहीं मीरो का। ठीक है, मीरो का नाम आता है, सोरा नहीं, सॉरी गलत हो गया, जॉर्ज मीरो का नाम आता है। 16 नंबर देखेंगे कि कल्प सूत्र ग्रंथ का चित्रण किस शैली में हुआ है, तो लिखेंगे कल्प सूत्र का चित्रण किस शैली में हुआ है, तो कल्प सूत्र का चित्रण जैन शैली यानी आपको भरण शैली में 14वीं शताब्दी में किया गया था। कब, 14वीं शताब्दी में इसका चित्रण किया गया था। ठीक है, 14वीं शताब्दी में इसका चित्रण किया गया था। अगला चित्र लिखेंगे इसमें कि बाज पक्षी के चित्रकार कौन है, 17 नंबर जो देखा जाए, तो बाज पक्षी के चित्रकार कौन है, तो नाम किसका आता है, तो बाज पक्षी में उस्ताद मंसूर का आता है, उस्ताद मंसूर का नाम आता है। ये लगभग 17 चित्र हैं जो आपके टीजीटी जो 1999 में पूछे गए हैं, और बाकी इसी तरह सभी टीजीटी से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी की चर्चाएं हम एक एक वीडियो में करेंगे। तो ये पहली वीडियो है, यानी 1999 में कितने चित्रकार हैं, कितने चित्र पूछे गए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। लगभग इन प्रश्नों की चर्चाएं हर एग्जाम में की गई है, यानी 1999 में प्रश्न पूछा गया है और आगामी परीक्षाओं में भी पूछा गया है और पूछा जा सकता है। तो मेरी कोशिश क्या है कि 1999 से लेके और टोटली 2021 तक जितने भी टीजीटी आर्ट से संबंधित जो चित्र पूछे गए हैं उनकी हम चर्चाएं लगभग 10-15 वीडियो बना के 8 से 10 मिनट की वीडियो में हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और पुनः आप सभी को नमस्ते और प्रणाम। मिलते हैं अगली वीडियो में एक किसी चित्रकारों की सीरीज को लेके। पुनः सभी को नमस्ते और प्रणाम।